बेमित्रा जिले के 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित जीरिया बिककुटी क्षेत्र के किसानों जनप्रतिनिधियों की बात प्रमुखता के साथ सुनी गई एवं उनके आवेदन प्रतिवेदन आग्रह को स्वीकार किया गया, जहां नाविक स्टील एंड पावर प्लांट लिमिटेड ग्राम जीरिया एवं बिटकुली में देर शाम तक जन सुनवाई चलता रहा, जिसमें किसानों को विरोध प्रदर्शन करने तथा अपनी बात रखने बारी बारी सबको समय दिया गया, साथ स्थित आवेदन भी स्वीकार किया। ग्रामीण जत्थे के साथ पहुंचकर कंपनी का विरोध करने लगे। जीरिया में से 5 किलोमीटर दूरी से ही ग्रामीण पहुंच रहे थे, जिनका कहना था कि जन सुनवाई में सभी को बोलने का बराबर अधिकार है, गांव का माहौल शांतिपूर्ण है, ग्रामीणों की बात सुनी गई। स्पंज आयरन संयंत्रों का क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में जबरदस्त विरोध किया जा रहा है और सभी की बारी बारी आवेदन शिकायत विरोध पत्र मौखिक रूप से बात भी सुनी गई। संयंत्र के विरोध में किसान एकजुट हैं और क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में स्पंज आयरन से क्षेत्र की उपजाऊ जमीन पर फसल लेना दुर्लभ हो जाएगा। झीरिया बिटकुडली क्षेत्र में स्पंज आयरन का विरोध 11 को किसान महापंचायत झीरिया विरकुटी क्षेत्र में प्रस्तावित विभिन्न स्पंज आयरन संयंत्रों का क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में जबरदस्त विरोध किया हो रहा है। संयंत्र के विरोध में किसान एकजुट हो रहे हैं। जन सुनवाई प्रशासन द्वारा रखा गया था। ग्राम झीरिया विरकुटी बेमरपुर पोसरी उसलापुर तुआ मऊ चंदनरू रवेली केस्तरा मुटमुरी आदि ग्राम के किसान आते हुए थे। वहां सर्वदलीय पंच द्वारा ग्राम झीरिया में किसान महापंचायत की बैठक बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के लगभग 30 से 40 गांव के किसान एकजुट होकर स्पंज आयरन संयंत्रों का विरोध व क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हुए लिखित में अपनी बात प्रमुखता के साथ जिला प्रशासन के सम्मुख रखी। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या स्पंज आयरन झीरिया विरकुटी में नहीं लगेगा या फिर सिर्फ विरोध को एक दिखावा मानकर स्पंज आयरन स्थापित कर दिया जाएगा। मामलों को लेकर के यहाँ पर आपको आना हुआ और क्या बातें हैं जिनको बात को लेकर? देखिए, आज बेमेतरा के करीब झीरिया गांव में स्पंज एंड स्टील फैक्ट्री के लिए जन सुनवाई हो रहा है। क्योंकि बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान जिला क्यों कहा जाता है उसका मैं उसका कारण बता रहा हूँ। क्योंकि बेमेतरा जिला सब्जी और फलों की खेती में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। 80,000 हेक्टेयर में करीब 2.5 लाख एकड़ में बेमेतरा जिला में सब्जी और फल की खेती की जाती है। उसके अलावा जो ओन्हारी का खेती है उसमें भी पूरा बेमेतरा जिला का प्रदेश में प्रथम स्थान है, जिसमें चना तिवरा गेहूं का उत्पादन होता है। बेमेतरा जिला इतना कोई जिला उत्पादन नहीं करता। इस मायने के दृष्टिकोण से बेमेतरा जिला एक कृषि प्रधान जिला है और ऐसे जिले में खाद्य से संबंधित फैक्ट्री ना भेज करके कृषि को बर्बाद करने वाली फैक्ट्री, चूँकि पर्यावरण विभाग के ही दृष्टिकोण से स्पंज आयरन की जो फैक्ट्री है डबल आर कैटेगरी में आता है, मतलब डबल रेड जोन, और ऐसे फैक्ट्री कृषि प्रधान क्षेत्र में लगाना एक प्रकार से खेती को बर्बाद करना है। आपको ध्यान में होगा जब मुख्यमंत्री जी बेमेतरा के कृषि मेला में आए थे 4 साल पहले, उन्होंने शक्कर कारखाना, उद्यानिकी महाविद्यालय और फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मिल्क कूलिंग प्लांट की घोषणा की है। ये चारों जो यूनिट है उसका भूमि पूजन भी नहीं किया गया और स्पंज आयरन फैक्ट्री 10 ठोक बेमेतरा जिला में भेजा गया। आप देख सकते हैं पीछे जो जन सैलाब है, सारे के सारे ग्रामीण इससे दुखी हैं और विरोध करने पहुंचे हैं। ऐसे स्पंज आयरन के का पूरे जनता के साथ में मैं विरोध करता हूं। ऐसा क्या कारण है कि विरोध करने के बावजूद भी फैक्ट्रियां लगाई जा रही है? देखिए, ये सरकार की हठधर्मी है, क्योंकि प्रत्येक चाहे नेवनारा हो, चाहे बोरिया हो, चाहे सरदा हो, चाहे मुर्दा है, और क्या किन चीजों को लेकर के विरोध करना चाह रहे हो आप? मेरा नाम सरिता यादव है, मैं फैक्ट्री के लिए विरोध करना चाहती हूँ, नाविक फैक्ट्री के लिए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। किस लिए? यहाँ तो रोजगार मिल सकता है। इसमें रोजगार मिल सकता है पर यहाँ दूषित हो सकता है। वहाँ धरसीवा रायपुर के आसपास पूरा कृषि पूरा मतलब बंजर हो गए हैं और यहाँ नहीं लगना चाहिए फैक्ट्री। यहाँ कृषि प्रधान देश है और मुख्यमंत्री बोले थे दामाखेड़ा में 10 किलोमीटर नहीं लगने चाहिए स्टील प्लांट, तो यहाँ नहीं लगेगा।
विरोध कर रहे हैं, आप सभी जानते हो विरोध तो एक ही चीज का हो रहा है, सर तरफ विरोध हो रहा है। जो यहाँ पर इस्पात का कारखाना लग रहा है वो लोगों का मौत लेके आ रहा है, लोगों के लिए काल बन के आ रहा है, ये सब जान चुके हैं सब लोग, उसी का विरोध कर रहे हैं। और आज दो बज रहे हैं, अभी एक व्यक्ति ऐसा है जो उसके समर्थन में, फैक्ट्री खुलने के समर्थन में, समर्थन किसानों को नहीं मिल रहा है, फिर भी से जनप्रतिनिधियों को समर्थन नहीं मिल रहा है, फिर भी से उद्योग कारखाने लगाए जा रहे हैं। सरकार की हठधर्मिता है, सरकार जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है, सरकार जनता का भला नहीं करना चाहती है, इसलिए ऐसा काम कर रही है। अभी सामने विधानसभा है, सरकार याद रखे तीनों विधानसभा में देखो उनका क्या हाल करने वाले हम लोग। किन मामलों को लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए? ग्राम धीरिया बिटकली में नाविक स्टील प्लांट के द्वारा उद्योग स्थापित किए जाने हैं, उसके लिए पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन आज यहाँ किया गया है और उसी के कार्रवाइयाँ निरंतर चल रही हैं। क्या क्या लगता है सर कि ग्रामीणों के विरोध के बावजूद स्पंज आयरन और कई जगहों खुला है, यह विरोध क्या तक सार्थक रहेगी? इस जन सुनवाई के दौरान जो भी लिखित और मौखिक आपत्ति आई है वो सब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये सब भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं।